नमस्कार दोस्तों। तो आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट हमने लास्ट दो क्लासेस में पढ़ लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले हल्के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ट्रेन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर इन 25 आवर्स, व्हाट शुड बी इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। दोस्त इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन पहले बिल्कुल इजी से स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ है। दोस्त कह रहे हैं 900 किलोमीटर कितने आवर्स में, 25 आवर्स में। तो स्पीड क्या होती है मेरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना गिवन है, 900 किलोमीटर। टाइम कितना गिवन है, 25 आवर्स। तो दोस्त इसे आप करोगे तो 25 × 400 होता है। तो इससे 4 × 9 कितना हो जाएगा, 36। तो मतलब ये से डिवाइड करूंगा तो मैं कितना आ गया मेरा, 36 किलोमीटर पर आर। और दोस्त मैं यहां से जानता हूं, मुझसे तो पूछा मीटर पर सेकंड में है। इस क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में मैं इसे कैसे बदलूंगा, मेरे को नहीं चेंज करना, क्योंकि हमने जो क्लास करी थी तो हमें पता है कि 36 का मतलब मीटर पर सेकंड में कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। तो आंसर कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान है ना, 18 किलोमीटर पर आर मतलब 5 मीटर पर सेकंड, 36 मतलब 10। तो 18 के मल्टीपल और 36 के मल्टीपल में हम याद रखेंगे, या फिर आप अगर नहीं पता तो यहीं से फिर करना, 900/25 × 5/18, यहां से फिर डायरेक्ट कर लेना उसे, ठीक है? तो ये कट जाएगा, 18 5 जा एक जीरो बची, 25 दूनी तो 2 5 जा 10, तो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़े, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, शुरुआत में है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी सीजीएल मेंस 2017 में आया है। क्या कह रहा है, अ रेसिंग कार गोइंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर टेक्स 15 मिनट्स टू कंप्लीट अ लैप ऑन अ रेसिंग ट्रैक, बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर टू कंप्लीट द लैप इन 12 मिनट्स। चलो दोस्त इसे मैं दो तरीके से कर सकता हूं, चलो देखती है। कह रहा है 108 की उसकी स्पीड है और वो किसी लैप को कितनी देर में कवर कर लेता है, 15 मिनट। मतलब क्या हुआ दोस्त, डिस्टेंस में जानता हूं क्या क्या होता है, स्पीड इन टू टाइम, कह दू हाँ। तो दोस्त स्पीड मेरी दे रखी है 108 किलोमीटर पर आर, और दूसरा दे रखा है कि वो 15 मिनट में पूरे को कवर कर लेता है। 15 मिनट को आर में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 आर, तो × 1/4 कर दू, तो ये 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 25 या 100, 4 दूंगी 8, तो कितना हो गया, 25 और 2 27, मतलब मेरे डिस्टेंस कितना है, 27 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि उसी को वो 12 मिनट में कवर करना है, तो दोस्त 12 मिनट का मतलब हो गया 12/60 आवर्स, 12/60 मतलब 1/5 आवर्स। तो दोस्त अब न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी जब उसे 12 मिनट में कवर करना है, तो आपको 27/1/5, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो नई स्पीड कितनी है, 135 किलोमीटर पर आवर। मतलब यदि उसे वही डिस्टेंस कितने 12 मिनट में कवर करना है, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 135 किलोमीटर पर आवर। इनिशियली कितनी थी, 108 किलोमीटर पर आवर, यही तो पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया, 135 में से 108 गए तो 27 किलोमीटर पर आर। कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर कितना हो गया, 27 किलोमीटर उसे स्पीड इंक्रीज करनी होगी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। जी हाँ, इसे मैं दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ दोस्त, हालांकि इसमें ये नहीं है, इसमें तो कोई सा भी तरीका अपना लो, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है। दोस्त कह रहा है कि उसे वही डिस्टेंस की बात कह रहा है ना, कि वही डिस्टेंस पहले 15 मिनट में, अब 12 मिनट में, और एक स्पीड दे रखी है, मतलब डिस्टेंस मेरा सेम है दोनों कंडीशन में, डिस्टेंस सेम है मतलब डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट हो गया इस केस में। और दोस्त जब हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है देन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो दोस्त केस वन और केस टू, केस वन में वो क्या कह रहा है, केस वन में कह रहा है अब मुझे तो टाइम का पता है कि उसने टाइम के बारे में गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं टाइम के बारे में लिख दूं क्या, कि केस वन में मुझे 15 मिनट्स लगते हैं,
और दूसरी कंडीशन जो दे रखी है उसमें मुझे कितने टाइम लग रहा है 12 मिनट्स। तो दोस्त इसका ये कुछ नहीं लिखे ना, दिमाग में करना है। तो उसका रेशियो कितना हो गया, तो आपको 5:4 दोस्त, ये 5:4 हो गया, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आपको होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दो ही है तो डायरेक्ट उल्टा कर दूं। इनवर्सली का मतलब ये हो गया दोस्त 1/5:1/4, लेकिन मैं जब दो ही होते हैं तो डायरेक्ट होता है क्या कर दिया करो चेंज, क्योंकि अब यहाँ 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ। तो दोस्त इसका रेशियो स्पीड के कितना हो जाएगा, 4:5। तो स्पीड का रेशियो आया मेरा 4:5। ये पहली केस है, ये दूसरा केस। और पहले केस में तो मेरी स्पीड गिवन है कितनी है 108, मतलब ये जो मेरा अचार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 108 किलोमीटर पर आर को। अब पूछा कि कितनी बढ़ाई गई होगी, दोस्त 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी है 5, मतलब 1 यूनिट बढ़ाई है। तो दोस्त 4 108 को कर रहा है, तो 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे 1 करेगा, इसे 4 से डिवाइड कर दो 27 को, मतलब कितनी स्पीड बढ़ाई जाए 27 किलोमीटर पर आर। आंसर क्या हो गया मेरा 27 किलोमीटर पर आर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो दोनों तरीके से हमने देखा। जब हमारे ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जितने भी हमें करने हैं सब टाइप्स के, तो आपको ये चैप्टर काफी इजी लगेगा। हालांकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बन सकती हैं, काफी अच्छे बन सकती हैं, लेकिन वैसे तो जो हम कवर कर रहे होंगे उससे बाहर आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आता है तो आप ऑप्शंस का सहारा लिया करो अरिथमेटिक में। मान लो कुछ चीज आपको नहीं आती तो आप ऑप्शंस को उठा के किया करो वो सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस तरीके के क्वेश्चन काफी आते हैं और सबसे इजी होते हैं, देखते हैं। जस्ट वेट, बाय वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड गिलक्रेस्ट इज 6 मिनट्स लेट टू हिज ऑफिस, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। कह रहा है जो गिलक्रेस्ट है, कौन है गिलक्रेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर। चलो एडम गिलक्रिस्ट, चलो दोस्त कह रहा है कि अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड का 4/5 स्पीड से चले तो वो ऑफिस 6 मिनट लेट पहुंचता है, तो बताओ उसका यूजुअल टाइम क्या है उस डिस्टेंस को, मतलब ऑफिस पहुंचने तक का। मतलब दोस्त उससे जो डिस्टेंस कवर करनी है वो सेम दे रखी है दोनों केसेस में, जब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता है या फिर जब वो 4/5 से चलता है स्पीड से। तो दोस्त मतलब डिस्टेंस मेरा कॉन्स्टेंट हो गया इस केस में, जहां भी जो चीज से मिले वो चीज कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का मतलब सेम। जब ये सेम है तो मतलब मेरा स्पीड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया दोस्त, टाइम के। अब वो जब यूजुअल स्पीड, यूजुअल एंड ये न्यू स्पीड या न्यू, दोस्त ये स्पीड लिख दी मैंने, क्या कह रहा है, यदि वो यूजुअल के 4/5 से चली, मतलब यूजुअल उसकी 5 है तो न्यू कितनी है 4, रेशियो ही गिवन है मुझे, कोई स्पीड का डेटा तो गिवन नहीं है, तो दोस्त टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा 4:5। अब कह रहा है दोस्त कि वो 6 मिनट लेट हो जाता है, और आप कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो तो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। 6 मिनट लेट का मतलब क्या है कि जो उनमें पहले कवर कर रहा था जिस स्पीड से और जो अब न्यू स्पीड से कवर कर रहा है, तो उनमें अंतर कितने का है 6 मिनट का, और यहां पर अंतर कितने का है दोस्त 6 मिनट्स का, सॉरी 1 यूनिट का। मतलब मेरी 1 जो यूनिट है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 1 यूनिट मेरी 6 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उससे पूछा है कि वो यूजुअल टाइम क्या लेता है उस डिस्टेंस को कवर करने में। दोस्त 1 6 मिनट को कवर कर रहा है और यूजुअल टाइम तो 4 यूनिट है, 1 6 को कह रहा है तो 4 किसे कहेगा 24 को, तो यूजुअल टाइम कितना है 24 मिनट्स। लेट होने के बाद भी पूछ लेता तो 1 6 को कर रहा है तो 5 कैसे कर रहा होगा 30 मिनट्स को। तो जो भी पूछे कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हमने एक रिलेशन भी करा था, कौन सा, D=S1S2 टाइम का डिफरेंस अपॉन स्पीड का डिफरेंस, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस में जब ये दे रखा हो कि वो 4/5 स्पीड से चलता है या उसने इतने परसेंट स्पीड अपनी बढ़ा दी तो टाइम इतना कम हो गया, उसमें आप यही यूज किया करो, वो नहीं। वो किस क्वेश्चंस में यूज किया करेंगे वो भी देखेंगे, हालांकि इस टाइप से भी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लेकिन फिर भी देखेंगे, ठीक है। चलो जब क्वेश्चन आए, जब पूरा हो जाए जब देखना, आगे बढ़े कोई दिक्कत
नहीं, जैसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी पर बेस्ड। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीच द प्लेस इन 22 आवर्स। चलो दोस्त, ये उसकी यूजुअल स्पीड है और ये जो नई कंडीशन है न्यू स्पीड, मतलब जो नई कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मैंने स्पीड लिख दिया। दोस्त उसने अपनी स्पीड का कितना, यदि वो 7/11 से चली, मतलब यूजुअल मेरी 11 है उसकी स्पीड, तो न्यू स्पीड कितनी है 7। तो दोस्त टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जब स्पीड का 11:7 है तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा बोले तो यूजुअल टाइम 7 है तो न्यू टाइम 11, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है वो यदि 7/11 से चले तो अब वो 22 घंटे लेता है, 22 आवर्स लेता है, और हमारी जो माना है उसके यूनिट के हिसाब से कितना ले रहा है, 11 यूनिट्स। मतलब मेरा जो 11 यूनिट्स है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 22 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है जब वो 7/11 स्पीड से चलता है तो वो कितने घंटे लेता है, तो 22 आवर, और यहाँ पर यूनिट में हमने आ रहा कितना आ रहा है 11, तो 11 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 22 आवर्स को। तो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ओन स्पीड। तो दोस्त कितना समय बचाया जा सकता है यदि वो अपनी स्पीड से चले, तो दोस्त अपनी स्पीड से चले तो 7 यूनिट में कवर करता है, तो दोस्त डिफरेंस कितना हो गया, यही समय तो बचाया जाएगा जो डिफरेंस है, और डिफरेंस मेरा हो कितना गया इस केस में 4। डिफरेंस कितना हो गया 4। अब मुझे एक बात बताओ, 11 22 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 1-2 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 4 किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे जो 4 यूनिट है वो रिप्रेजेंट करेगी 8 आवर्स को, मतलब वो कितने घंटे सेव कर पाएगा 8 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं। या अगर ये पूछा होता कि यूजुअल टाइम क्या होता, तो 1/22 को 1-2 आवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो 7 किसे करेगा 14 आवर्स को, 22 में से 8 गए कितने हो गए 14, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलो। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जब दे दिए रखे हो कि ये अपनी यूजुअल स्पीड का इतने चलता है तो इतने टाइम में कवर कर लेता है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से डील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलो। एक और क्वेश्चन लेते हैं जैसे इस तरीके का, इफ अ पर्सन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 33 1/3%, कह रहा है कोई आदमी अपनी स्पीड का 33 1/3% बढ़ा देता है, then he reaches 15 minutes early to his office, तो वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है ऑफिस में, तो यूजुअल टाइम बताओ उसके ऑफिस पहुंचने का। दोस्त स्पीड कितनी बढ़ा दी 33 1/3%, और मैं जानता हूं दोस्त 33 1/3% का मतलब कितना होता है मेरा 1/3, अब बढ़ाई है, मतलब अगर ओरिजिनल 3 थी तो बढ़ा के कितनी हो गई 3 और 1 4। अरे 33 1/3% कितना हो गया 3 का 1, तो बढ़ाई है तो 3 में 1 जोड़ दूं तो कितना हो गया 4। अब यूजुअल न्यू ये कुछ नहीं लिखना, भी बता रहा हूं केवल ये तो यहां समझाने के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है दोस्त। 3 से 4 कर दी, मतलब यूजुअल उसकी 3 थी, तो अब नई स्पीड कितनी है 4, ये लिख दूं स्पीड, ये टाइम दोस्त स्पीड का रेशियो 3:4 है, तो टाइम का कितना हो जाएगा 4:3, लेकिन हम कह रहा है कि वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब डिफरेंस कितना होगा दोनों कंडीशन में 15 मिनट, लेकिन जो हमने सपोज किया है उसके जो रेशियो आया उसके अकॉर्डिंग कितना है 1 यूनिट। तो दोस्त 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहोगे 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15 मिनट्स को। अब उससे यूजुअल टाइम पूछ रहा है कि वो यूजुअली कितने टाइम में ऑफिस पहुंच जाता है, दोस्त यूजुअल टाइम कितना है 4, हमारा जो एक यूनिट है उसके हिसाब से यूजुअल टाइम कितना है 4 यूनिट, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15 मिनट्स को, तो 4 यूनिट किससे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आप कहोगे कि 4 यूनिट मेरा किससे रिप्रेजेंट करेगा 15 × 4 = 60 मिनट्स को, मतलब वो यूजुअली कितनी देर में ऑफिस पहुंच जाता है 1 आवर 60 मिनट्स, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, 2 कार्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 1 पॉइंट, 2 कार एक ही समय पर एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, मूव अलोंग 2 रूट्स
एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, और दोनों राइट एंगल पे जाती है, मतलब जहां वो जाती हैं उनके बीच का एंगल कितना है मेरा 90 डिग्री। देयर स्पीड्स आर, चलो दोस्त एक कार तो ऐसे गई और एक कार ऐसे गई 90 डिग्री पर, एक की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आर और दूसरे की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आर। तो 15 सेकंड बताओ बाद बताओ कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा 15 सेकंड बाद। तो दोस्त इससे पहले मैं मीटर पर सेकंड में बदल लूं, दोस्त 36 को तो मैंने डायरेक्ट बताया कि 36 किलोमीटर पर आर का मतलब 10 मीटर पर सेकंड, तो इसे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इसका मतलब हो गया मेरा 10 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। और 48 को मैं बदल लूं यदि तो 48 इंटू 5/80, तो दोस्त 6 × 3 = 6 × 8 = तो कितना हो गया मेरा 40/3 मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये जो स्पीड है इसकी 40/3 है इसकी 10 मीटर मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। दोस्त कह रहा है दोनों कितनी देर तक चलती है 15 सेकंड। दोस्त ये 15 सेकंड में कितना कवर कर लेगी, तो आप कहोगे इंटू 15 कर देता हूँ इंटू 15 सेकंड। अरे टाइम वो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो दोस्त सेकंड से सेकंड गया अपने आप ही कटेगा क्योंकि वही होता है। तो ये हो गया 150 मीटर। और इधर अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 से 5 ये कट जाएगा 5000, 40 5000 200, मतलब ये वाली गाड़ी कितनी चलेगी 200 मीटर। दोस्त ये 200 मीटर गई, ये 150 मीटर गई, ये कितनी दूरी हो गई दोस्त 200 मीटर, ये 150 मीटर। अब इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो क्या मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट जानता हूं क्या, क्या 3, 4 और 5 या डायरेक्ट भी पता हो आपको तो 15, 20, 25। अरे किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट के सेट को यदि मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो भी तो मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होता है। तो 3, 5 = 15, 4, 5 = 20, 5, 5 = 25, 1 0 और फालतू लग रही है तो 1 0 और लगा दी, मतलब 150, 200 और 250 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। तो मतलब ये दोस्त 200 चला है, ये 150, तो इसके जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी हो जाएगी 250 मीटर। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 250 मीटर। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे आप अगर जैसे आपको पता कराना है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं, तो आपने इसे काट लिया, किससे कट रहा है, तो 50 3 जा, ये 50 4 जा, और मैं जानता हूं कि एक एक परपेंडिकुलर या बेस में से 3 और 4 हो, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या आता है हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5, किससे काटा था 50 से, तो 5 × 50 = 250, तो डिस्टेंस कितना हो गया 250 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। काफी इजी क्वेश्चन करे हैं अभी तक हमने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ये डायरेक्ट आता है एग्जाम में, काफी बार आता है, कौन सा चलो देखते हैं। टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई टूवर्ड्स ईच अदर। दो ट्रेन्स है दोस्त ए और बी, ये एक्स और वाई स्टेशन से स्टार्ट होती है और एक दूसरे की तरफ आती है। They take 4 hours 40 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Y and X respectively after they meet. मिलने के बाद एक जो A ट्रेन है वो 4 घंटे 48 मिनट और B ट्रेन 3 घंटे 20 मिनट लेती है। A की स्पीड आपको गिवन है 45 किलोमीटर पर आर, तो स्पीड ऑफ B बताना है। चलो जो सब जब कॉन्सेप्ट कर रहे थे तो आपको पता होगा कि ये कोई मैंने पॉइंट X कह दिया, ये वाई कह दिया, यहाँ से कोई ए चला है, यहाँ से बी चला है, यहाँ पर ये मिलती है। अब इसके बाद मिलने के बाद यहाँ से ए जो है टाइम टी ए लेता है और यहाँ से बी जो है टाइम टी बी लेता है, मिलने के बाद या बी एक्स पहुँचने तक और ए वाई पहुँचने तक, और इसकी स्पीड एस ए है और इसकी स्पीड एस बी है। तो हमने एक रिलेशन देखा था क्या कि एस ए बाई एस वी विल बी इक्वल्स टू टी बी अंडर रूट में टी बी बाय टी ए, याद है प्रूव भी करा था कि कैसे आएगा। और दूसरा रिलेशन मतलब दूसरा इसी में अंडर रूट टी ए टी बी,
और ये टी क्या होता था, ये टी आई टी होता था कि जब से उसने शुरू किया है और जहां पर मिलेंगे वहां तक पहुंचने का समय। तो ये दो कंडीशन हमें पता होती थी। अब इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें इसमें क्या पूछा है, इसने पूछा है दोस्त कि एक्स और वाई से चली है ए और बी, अब क्रॉस करने के बाद जो टी ए गिवन है मेरा, ए जो है वो कितना टाइम ले रहा है, 4 hours and 48 minutes, और जबकि जो बी है वो मिलने के बाद टाइम ले रहा है 3 hours and 20 minutes। ठीक है, ए की स्पीड मुझे जो ऐसे मानते थे हम वो गिवन है 45 km/h, तो आपको बी की स्पीड बतानी है क्या होगी। तो दोस्त डायरेक्ट इस फॉर्मूले में ना रख दू, टी भी पता है मुझे, टी ए पता है मुझे, एस ए पता है, एस भी निकल जाएगा क्या, बिल्कुल, तो रख देता हूं ऐसे। ऐसे कितना गिवन है मुझे 45, अब सब किलोमीटर पर आर में, ये भी आर्स में, ये भी आर्स में, तो यूनिट फूनिट का कुछ मत सोचना, अपॉन, और वैसे भी यूनिट का इसमें कोई चक्कर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, जो भी यूनिट होगी वो कैंसिल हो जाएगी आपस में। चलो, और एस बी कितना है, एस बी हमें बताना है। हाँ, आप जब जरूर सोचना कि एक यूनिट आपको आर्स में ही गिवन है, एक मिनट्स में गिवन है, तो उसे सेव कर लेना। टी भी कितना है दोस्त मुझे, 3 hours 20 minutes, 3 hours 20 minutes का मतलब कितना हो गया, 3 1/3 hours, अरे 20 minutes का मतलब क्या हो गया, 1/3 hours, तो ये कितना हो गया, 3 1/3, 3 3 जाए 9 9 और 1 10, तो मतलब ये हो गया मेरे 10/3। टी भी जो टाइम लेगा मीट करने के बाद, और ये कितना टाइम लेगा, 4 hours 48 minutes, 4 hours 48 minutes कितना हो गया, 48 को क्या लिख सकता हूँ, 48/60 मतलब 4/5, तो 4 4/5 hours, 4 5 20 20 और 4 24, तो कितना हो गया 24/5 hours, तो ये लिख दूँ 24/5, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये एक बार करते हैं, 45/SV√, ये 10, 5 ऊपर जाएगा तो ये 5/24 × 3 कह दूँ, हाँ दोस्त ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 5 जा और ये 2 12 जा, दोस्त ये हो गया 5 5 जा 25, तो रूट से बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 12 3 36, रूट से बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 6। दोस्त अब मुझे बताओ 5 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 6 कैसे करेगा, या फिर काट लेना, 5 से ये कट गया 9 9 6 जा 54, तो आंसर कितना होगा 54, या 5 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक नौ को तो 6 किसको करेगा 54 को, मतलब स्पीड ऑफ बी कितनी हो गई 54 किलोमीटर पर आर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आती है, 3 4 क्वेश्चन करेंगे हम, और जो चौथा क्वेश्चन होगा वो आपको बताना होगा फिर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th है, नहीं 8th होगा ना, ए एंड बी आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर From the points P and Q respectively. चलो ठीक है, after crossing each other A and B takes 6 1/8 hours and 8 hours respectively to reach their destination Q and B. Speed B की दे रखी है तो आपको speed बतानी है A की, और क्या बताना है कि कितने समय बाद वो मिलेंगे, दोनों चीज पूछी है इसमें। तो ये सीरियल 2018 प्री में आया था, सब क्वेश्चन किसी ना किसी में आए हुए हैं CGL में मेनली। चलो देखती है दोस्त, अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि स्पीड ऑफ ए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू TB/TA कह दूँ, हाँ। अब दोस्त स्पीड ऑफ ए मुझसे पूछा है जबकि बी मुझे गिवन है 16.8, लिख दूँ क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल, और जो टाइम है जब क्रॉस करने के बाद जो ले रही है वो ए ले रहा है कितना 6 1/8, तो 6 1/8 का मतलब हो गया 49/8, तो ये हो गया 49/8, और B ले रहा है मेरा 8 hours, तो ये 8 अंडर रूट चढ़ा दूं कह दूं, हाँ। तो आपको बस ये भी नहीं लिखना जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, ये लिखोगे और एक स्टेप में आंसर लाना है, ठीक है। तो दोस्त ये 8 ऊपर चले जाएगा तो 8 का स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8, और 49 किसका है 7 का, तो 8/7, एस ए इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी एक्स ए अपॉन 16.8 इज इक्वल टू 8/7, दोस्त ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो
तो आठ कैसे करेगा, चलो मुझे बताओ, सात चौबीस जा 168 होता है दोस्त, तो मतलब ये 2.4 हो गया। अब दोस्त ये सात से एक ही तो ज्यादा है, तो इसमें 2.4 जोड़ दो, जो दोस्त 2.4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 है, 16 और 2 18 है, तो 12 और 8 मतलब 12 18 नहीं 1.2 होगा, 8 और 4 यहाँ पे पॉइंट की बात है ना, तो 18 और 1.2 19.2, तो ऐसे कितना हो जाएगा दोस्त 19.2। या फिर कुछ मत करो इसे काट लो, 24 24 8 जब 92 192 तो कितना हो गया 19.2 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे, आगे बढ़े चलो। अब इसी क्वेश्चन में पूछा है कि वो कितनी देर बाद मिल रही होंगी जब से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो दोस्त टाइम का भी मैं जानता था कि मिलने के टाइम का फॉर्मूला होता था अंडर रूट टीए बाय टीवी। टीए क्या है, जब ए मिलने के बाद जितना टाइम लिया है, और टीवी क्या है, बी ने मिलने के बाद जितना टाइम लिया है। तो दोस्त वो टाइम आपको गिवन है 61/8 मतलब 49/8, और टीवी ने कितना टाइम लिया, जितना भी जो लिया है, तो दोस्त 8 से 8 कैंसिल, 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का, सॉरी 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो मतलब जब से वो चलना स्टार्ट किए थे वो कितनी देर बाद मिल रहे होंगे 7 आवर्स, तो आंसर कितना हो गया 7 आवर्स। अब वो ये भी पूछ सकता था, जैसे इसमें दे रखा है कि बी 8 घंटे लेता है, ये भी पूछ सकता था कि पूरी जर्नी में बी ने कितना टाइम लिया, तो दोस्त मिलने तक 7 आवर्स लिया, तो पूरी जर्नी में कितना, अब देखो यहां तक उसने मिलने तक कितना लिया है 7 आवर्स, ये जब बताया था तब भी बताया था मैंने जब कॉन्सेप्ट कर रहे थे मिलने तक, और उसके आगे का क्वेश्चन में गिवन है कि 8 आवर्स ले रहा है बी, तो दोस्त पूरी जर्नी के दौरान उसने कितना समय लिया होगा 7 + 8 = 15 आवर्स। इसी तरीके से ए की भी पूछ सकता है, अब मिलने तक तो ए ने भी 7 आवर्स लिया है क्योंकि दोनों बराबर चले हैं, यही तो है मीटिंग टाइम, और उसके बाद इसने कितना लिया है 49/8, तो दोनों को जोड़ दूंगा वो आ जाएगा 1 आवर्स। हर ये बात समझ में कुछ, वो ए और बी की डिस्टेंस भी पूछ सकता है, मतलब ए और बी की जहां से भी चली है जो भी दे रखा है वो डिस्टेंस भी पूछ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन में पूछ भी रखी है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम एक्स एंड वाई, चलो ठीक है, एट द सेम टाइम, दोस्त ए एक्स से चलता है बी वाई से चलता है सेम समय पर, ए की स्पीड 20% ज्यादा है बी से, तो आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी, अब मिलने के बाद ए तो 2.5 आवर्स ले रहा है वाई तक पहुंचने पर, और बी एक्स आवर्स ले रहा है, कोई कह दिया कि एक्स आवर्स ले रहा है एक्स तक पहुंचने पर, तो उन एक्स आवर्स की वैल्यू क्या है ये बता दिए। अब दोस्त हम जैसे अभी कर रहे थे क्या हुआ है, एस ए बाय एस बी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बी बाय टी ए, यहां तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि क्या स्पीड ऑफ ए 20% है ना ज्यादा है, तो ये जरूरी नहीं, आपको यहाँ रेशियो भी दे सकता है, जैसे अभी तक तो जो क्वेश्चन कह रहे उसमें स्पीड दे रखी थी और टाइम दे रखा था, टाइम का रेशियो दे सकता है कि उन्होंने क्रॉस करने के बाद इस रेशियो में कवर किया, क्योंकि मुझे रेशियो ही तो चाहिए यहाँ पर बेसिकली सॉल्व करने के लिए। चलो अब दे रखा है कि स्पीड ऑफ ए जो है 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है क्या मतलब क्या हुआ दोस्त, 1/5 होता है 20%, मतलब इसकी स्पीड 5 है तो ये ज्यादा है, तो 5 और 1 = 6, तो मतलब स्पीड यदि बी की 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी 20% ज्यादा, तो 5 का 20% कितना होता है 1, तो ये 6 हो जाएगी, 1/5 लिख सकता हूं मैं, ये तो पता ही है ना दोस्त 20% का मतलब होता है मेरा 1/5, तो मतलब 5 का 20% 1 हो गया, अब ज्यादा कह रहा है तो 5 में 1 मैंने जोड़ दिया, तो ऐसे ही तो ज्यादा है बी से, तो 5 में 1 जोड़ दिया, तो रेशियो क्या हो गया 6:5। अब टाइम के एक सेकेंड, ए 2.5 घंटे लेता है और बी एक्स आवर्स, ए 2.5 घंटे बी एक्स आवर्स, तो एक्स बाई 2.5 लिख दू, कह दू हाँ। अब दोस्त दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया तो ये कितना हो गया 36/25, और ये कितना हो गया मेरा एक्स बाई 2.5, तो ये यहां से कट गया क्या 10 जा, तो ये कितना हो गया x की वैल्यू 36/10 मतलब 3.6 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं।
तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, आ रही है ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी यही तरीके का, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है? चलो देखो, काफी लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। ए पैसेंजर ट्रेन लेफ्ट टाउन ए फॉर टाउन बी, दोस्त ए से बी तक गई है कोई पैसेंजर ट्रेन, एट द सेम टाइम, ये टाउन ए कह दिया मैंने और ये टाउन मैंने बी कह दिया। एट द सेम टाइम ए गुड्स ट्रेन लेफ्ट टाउन बी फॉर टाउन ए, और यहां से गुड्स ट्रेन आई है, गुड्स ट्रेन यहां से पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, टाउन ए के लिए जाती है। स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब वो एक स्पीड से चल रही है, ये 100 की से है तो 100 की से, मतलब जो थ्रू आउट जर्नी है उनकी एवरेज स्पीड सेम है, ठीक है, ये नहीं कि फ्लक्चुएशन हो रहा है कि का, चलो थ्रू आउट दी जर्नी, 2 hours आफ्टर द ट्रेन्स मीट दे वर 450 किलोमीटर अपार्ट। अब इसने क्या कहा है कि मिलने के, जहां से भी मिले हैं ये, उसके 2 घंटे बाद वो 450 किलोमीटर दूर हो जाती है, जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है 2 घंटे बाद, 450 किलोमीटर। द पैसेंजर ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन 16 hours आफ्टर, पैसेंजर ट्रेन तो 16 घंटे लेती है मिलने के बाद, और गुड्स ट्रेन 25 घंटे लेती है मिलने के बाद, ठीक है। अब दोस्त इसमें कहा है कि इधर से पैसेंजर ट्रेन आती है, इधर से गुड्स ट्रेन आती है, मिलने के बाद 2 घंटे में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर आर हो जाता है, और दे रखा है कि मिलने के बाद पैसेंजर ट्रेन 16 आवर्स लेती है बी तक पहुंचने में, और गुड्स ट्रेन 25 आवर्स लेती है बी तक पहुंचने में, सॉरी ए तक पहुंचने में। तो आपसे पूछा है कि बताओ टाइम, बताओ फाइंड द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू मेक द होल ट्रिप, पूरे यहां से ए से बी तक पहुंचने में पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, और दूसरा पूछा है दोस्त, एक सेकेंड, दूसरा पूछा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से समझना, दूसरा पूछा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्पीड किसी की नहीं गिवन, लेकिन बीच में एक कंडीशन जरूर गिवन है कि 2 घंटे बाद दोनों के जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है 450 किलोमीटर। चलो ध्यान से समझेंगे दोस्त, मुझे टाइम बताना है कि पैसेंजर ट्रेन ने कि ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, तो इसमें तो कुछ नहीं है पहले क्वेश्चन में, तो टाइम मैं जानता हूं, टाइम मीटिंग टाइम होता है, टाइम कितना होता है टी ए बाय टी बी, और वो मुझे गिवन है कि मिलने के बाद इसने इतना समय लिया, इसने इतना, ये कितना हो जाएगा 16 × 25, 16 को रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 4, 25 को निकालूंगा तो 5, मतलब टाइम मीटिंग टाइम जब वो चलने के बाद मिले वो कितना है 20 घंटे, मतलब 20 घंटे बाद वो जब से चलना स्टार्ट किया वो आपस में मिले। अब पूछ रहा है पैसेंजर ट्रेन ने ड्यूरिंग द होल जर्नी कितना टाइम लिया, दोस्त 20 घंटे उसे मिलने तक लगे और बाद में मिलने के बाद उसने कितना टाइम लिया 16 hours, तो मतलब टाइम जो पैसेंजर ट्रेन ले रही है पूरा डिस्टेंस कवर करने में वो कितना है 20 hours प्लस 16 hours, कितना हो गया मेरे दोस्त 36 hours, तो आंसर कितना हो गया पहले पार्ट का 36 hours। इसी तरीके से वो गुड्स ट्रेन का पूछ रहे हैं, तो मीटिंग टाइम 20 hours, उसके बाद उसने 25 लिया है तो टोटल टाइम कितना ले रही है 20 + 25, मतलब 45 hours, आ रही है ना बात समझ में। चलो यहां तक पूछता तो ठीक था, इजी था क्वेश्चन, लेकिन उसने आगे और पूछा है सेकंड पार्ट में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब मुझे एक की स्पीड दी हो होती तो मैं निकाल लेता × 36 कर, जैसे मुझे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड दी हुई होती मान लो, तो मैं डायरेक्ट क्या करता × 36 कर देता, डिस्टेंस आ जाता, आ रही है ना बात समझ में। मान लो मुझे गुड्स ट्रेन की स्पीड दी होती तो 20 और 25 = 45 × 45 कर देता उसकी स्पीड से, डिस्टेंस आ जाता, लेकिन मुझे दोनों में से किसी की स्पीड नहीं गिवन। चलो ये ध्यान रखना, चलो आगे करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज दी है कि 2 घंटे बाद, मिलने के 2 घंटे बाद देयर डिस्टेंस बिकम 450 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस हो जाता है उन दोनों के बीच में 450 किलोमीटर, मतलब मैं कह सकता हूं यहां से दोस्त, अब एक बात सुनना, ये दोनों यहां मिले, ध्यान से समझना दोस्त, पैसेंजर ट्रेन इधर गई, हमने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन नहीं करा, तो ध्यान से समझना,
गुड्स ट्रेन इधर गई, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है डायरेक्शन, अवे फ्रॉम ईच अदर। अब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती थी। दोस्त मैं अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x कह दूं और गुड्स ट्रेन की स्पीड y कह दूं, तो दोस्त इसकी स्पीड मैंने x कही, इसकी स्पीड मैंने y कही, तो दोस्त रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन है x प्लस y, तो मेरी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई दोस्त? x प्लस y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त वो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है? 450। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो डिस्टेंस आपको गिवन है 450 किलोमीटर और टाइम आपको गिवन है 2 आवर्स। कब है ये? जब ये इन दोनों, जब इस रिलेटिव, ये रिलेटिव स्पीड हो जाती है दोनों के बीच, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 450 बाई 2, मतलब 225 किलोमीटर। तो दोस्त दोनों की स्पीड का जो सम है वो कितना है? 225 किलोमीटर पर आवर। ये बात आई ना समझ में? नहीं आई तो एक बार और समझो दोस्त। जहां से मिली उसके 2 घंटे बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर हो जाता है। अब दोस्त जहां से मिली, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ, तो रिलेटिव रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? एक्स प्लस वाई। मैंने एक की स्पीड को एक्स कह दिया, दूसरे की को वाई। तो दोस्त और 2 घंटे में कितना कवर कर लिया? 450। तो 1 घंटे में 225, मतलब दोनों की स्पीड का सम कितना है? 225, मतलब रिलेटिव स्पीड। तो x प्लस y कितना आ गया? 225 किलोमीटर पर आवर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, और एक कंडीशन और मैं जानता हूं कि मिलने के बाद का टाइम का और स्पीड का एक रिलेशन होता है। जैसे मैंने यहां तो एक्स वाई कह दिया है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय वाई। एक्स मैंने इसकी स्पीड मानी है, तो इसका टाइम जो ले रहा है वो नीचे आएगा 16, और इस वाले का ऊपर 25। तो ये 25 बाय 16 का मतलब क्या हो गया? 5 बाई 4, मतलब उनकी स्पीड का रेशियो कितना है दोस्त? 5:4। और दोनों की स्पीड का सम कितना है? 225। दोस्त 5 और 4 कितने हो गए? 9। रेशियो में अगर आप सम करो तो कितने हो गए? 9। मतलब 9 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 225 को। दोस्त 9 यूनिट 225 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक किसे कर रही होगी? तो आप कहोगे 25 9 225 होता है, तो एक 25 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। दोस्त एक 25 को, तो 5 125, अरे 25 × 5 तो 4 25 × 4 100। मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड 125 किलोमीटर है, जो गुड्स ट्रेन है उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर है। क्या अब मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या जब मुझे स्पीड पता लगे? इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा दोस्त, ये तो समझाने में लग रहा है। 125 किलोमीटर पर आवर गुड्स ट्रेन की 100। दोस्त इसे कितना टाइम लग रहा था टोटल डिस्टेंस कवर करने में पैसेंजर ट्रेन को? 136 आवर। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इनटू 36 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 36 25 900 36 100 36 100 36 100 9 4500। तो डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच? 4500 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझते हैं दोस्त, ये मेरा यहां तक तो आ गया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि वो 2 घंटे बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर हो जाता है। मतलब अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? अगर मैंने एक की स्पीड को एक्स कह दूं, दूसरे की को वाई कह दूं, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगी। एक्स प्लस वाई 450 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 225, मतलब जो एक्स प्लस वाई है, जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो गई? 225 किलोमीटर पर आ। एक रिलेशन में जानता हूं कि उनकी जो स्पीड का रेशियो है इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ जितना उन्होंने टाइम लिया है उसका उल्टा कर देती है। मतलब इसका, जैसे ये एक्स वाई है, तो इसने कितना टाइम लिया वो नीचे आएगा, और इसने कितना टाइम लिया मिलने के बाद वो ऊपर आएगा। तो यहां से मेरा एक्स बाय वाई आ गया 5/4। दोस्त 5/4 और 5 और 4 मिलके कितने हो गए? 9। और जबकि दोनों के स्पीड का सम कितना है? 225। तो दोस्त 9 यूनिट 225 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 25 को, तो 1 25 को, तो 5 125 को, और 4 100 को। तो स्पीड मेरी निकल गई कि गुड्स ट्रेन की 100 किलोमीटर पर आवर है और पैसेंजर ट्रेन की 125 किलोमीटर पर आवर। स्पीड पूछता तो डायरेक्ट में निकाल देता, लेकिन मुझसे पूछा है डिस्टेंस। दोस्त इसकी स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर है, ये टाइम 36 घंटे लेता है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो कितना होगा? 125 × 36, मतलब 4500 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काफी इजी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आए ना। कह रहा है ए मैन वॉक्स अ डिस्टेंस एंड राइड्स बैक इन 4 hours 30 minutes। एक आदमी कहीं जाता है और वापस आता है, पैदल जाता है एंड राइड्स बैक, बाईसाइकिल ही मान लो, बाईसाइकिल पर आता है, साइकिल पर आता है, कितनी देर में आने जाने में उसे टाइम लगता है, 4 hours 30 minutes। ठीक है, ही कुड राइड बोथ वेज इन 3 hours, और दोनों तरफ अगर वो साइकिल से जाए तो 3 hours लगता है, दोनों तरफ मतलब आए और जाए साइकिल से तो 3 hours लगता है, मतलब एक तरफ उसे 1.5 hours लग रहा है साइकिल से जाने में। तो बताओ कि यदि वो पैदल ही जाए तो उसे आने जाने में कितना टाइम लगेगा। दोस्त अब इस तरीके के क्वेश्चन तो मुंह जवानी किए जाते हैं। दोस्त उसे जब दोनों एक तरफ पैदल जाता है और साइकिल से आता है तो उसे टाइम लग रहा है 4 hours 30 minutes, और दोस्त दोनों तरफ जब साइकिल से आता और जाता है तो उसे यार टाइम लग रहा है 3 hours। मतलब मैं कह सकता हूँ कि केवल आने या केवल जाने में उसे बाईसाइकिल से 3/2 hours लग रहा है, मतलब 1.5 hours लग रहा है। अब पहले कंडीशन में ये बाईसाइकिल से आया है तो 4.5 hours में से 1.5 hours गया तो आप कहोगे 3 hours, मतलब जब वो पैदल जाता है तो उसे एक साइड में 3 hours लगते हैं तो दोनों साइड में कितने लग जाएंगे, 3 hours + 3 hours 6 hours। तो आंसर कितना हो गया 6 hours। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, अब ये तो मुंह जवानी के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर एक और लिया इसी तरीके का, ए मैन टेक्स 6 hours 15 minutes इन वॉकिंग अ डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक। पैदल जाता है और वापस साइकिल पे आता है, अब राइड कर रहा है, हॉर्स राइडिंग हो सकती है या साइकिल चला रहा हो, जो भी हो कुछ भी मानो, ठीक है, तो उसे आने जाने में 6 hours 15 minutes लगती है। दोस्त जब पैदल जाता है और साइकिल से आता है तो 6 hours 15 minutes, यदि वो पैदल ही जाए दोनों तरफ से तो उसे लगता है 7 hours 45 minutes, मतलब आए भी पैदल और जाए भी पैदल, तो दोस्त आने या जाने में एक तरी एक उधर से कितना उसे टाइम लगेगा, ये तो आने और जाने का टाइम है पैदल में, तो दोस्त एक तरफ से उसे टाइम कितना लगेगा, 7 hours का आधा 3 hours 30 minutes, 45 का आधा 22.5, तो 3 hours 52 minutes लगेंगे उसे एक तरफ से पैदल चलने में, और जबकि उसे एक तरफ से पैदल और एक तरफ से राइड करते हुए आया है तो 6 hours 15 minutes लग रही है। तो दोस्त 6 hours 15 minutes में से अगर मैं ये घटा दूं तो ये कितना हो गया, 15 और 7.5 = 22.5, 6 में से 4 गया 2, तो 2 hours 22 minutes, मतलब जब वो राइड करके जाता है तो उसे एक तरफ से कितना समय लगता है, 2 hours 22 minutes। कोई दिक्कत तो नहीं ना इस तरीके के क्वेश्चन में, तो दोनों तरफ से एक तरफ से इतना समय लग रहा है, तो दोस्त दोनों तरफ से 2 × 4 hours 22.5 × 45, तो दोनों तरफ से राइड करते हुए आए तो कितना समय लगेगा, 4 hours 45 minutes। दोस्त जब एक तरफ से वॉक करके उतरा हुआ जा रहा है और एक तरफ से राइड करता हुआ आ रहा है तो उसे लग रहा है 6 hours 15 minutes, चलो ठीक है, और दोनों तरफ से पैदल आ रहा है तो उसे 7 hours 45 minutes। दोस्त दोनों तरफ से आ रहा है 7 hours 45 minutes में तो एक तरफ से कितना टाइम लगेगा, 3 hours 52 minutes। तो दोस्त इसमें से मैंने 3 hours 52 minutes निकाल हटा दिए तो कितना बचा, 2 hours 22 minutes, मतलब जब वो राइड करते हुए जा रहा है तो एक तरफ से उसे 2 hours 22 minutes लग रहे हैं, तो दोनों तरफ से कितने लगेंगे, इनटू 2 कर दूं तो 4 hours 45 minutes, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 30, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 kilometers per hour। कह रहा है बिना स्टॉपेज की वो 50 kilometers per hour चलती है, और विद स्टॉपेज इट ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 40 kilometers per hour, और स्टॉपेज के साथ मतलब अगर स्टॉपेज स्टॉप्स पर रुक रुक के वो 40 kilometers per hour की उसकी स्पीड बनती है, एवरेज स्पीड जो बनती है थ्रू आउट द जर्नी। ठीक, तो बताओ फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। तो 1 hours में जब वो रुक स्टॉप पर रुक के चल रही है तो 1 hours में कितने मिनट वो रुक रही है। दोस्त इस तरीके के क्वेश्चंस में आप क्या किया करो, जो उसने स्टॉपेज के साथ स्पीड दी है ना वही आप डिस्टेंस मान लिया करो,
क्या कहा मैंने, जो उसने स्टॉपेज के साथ, मतलब जब वो रुक के चल रही है स्टॉप पर, उसके साथ स्पीड दी है, जितनी स्पीड दी है वही मैंने डिस्टेंस मान लिया। तो क्या हो गया दोस्त, मैंने क्या कह रहा है, स्पीड स्टॉपेज के साथ 40 किलोमीटर पर आर, तो मैंने डिस्टेंस भी मान लिया कि मेरा डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। क्या मान लिया मैंने, कि मेरा डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर है। क्यों, क्योंकि दोस्त अब जब वो रुक के चल रही होगी तो इतना जो माना है आपने वो एक घंटे में कवर कर रही होगी, क्योंकि मैंने उसी स्पीड के बराबर माना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक घंटे में वो कितना कवर कर लेगी, 40 किलोमीटर। तो दोस्त जो आपको क्या स्टॉपेज के साथ जो स्पीड है वो डिस्टेंस माना करो, क्योंकि वो डिस्टेंस उस स्पीड से वो एक घंटे में कवर कर लेगी, और जो दूसरा दे रखा है मैं निकाल लूंगा और वहां से अंतर निकाल के मेरा टाइम आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अब दोस्त कह रहा है विदाउट स्टॉपेज वो 50 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चलती है, दोस्त जब वो स्टॉपेज के साथ, स्टॉपेज के साथ चलती है तो ये डिस्टेंस एक घंटे में कवर कर लेगी, क्योंकि मैंने जो उसकी स्पीड है उसी के बराबर डिस्टेंस वाल लिया। चलो अब दोस्त विदाउट स्टॉपेज ये कितने टाइम में कवर करेगी, उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आर, डिस्टेंस कितना है 40, तो मतलब वो 40/50 आर्स में कवर करेगी, तो 40/50 कितना हो गया 4/5, या मिनट में बदलो तो इंटू 60, तो कितना हो गया 48 मिनट्स। मतलब दोस्त वो डिस्टेंस बिना रुके 48 मिनट्स में कवर कर लेगी, तो दोस्त उसे एक घंटे में कितनी देर रुकना पड़ रहा है, तो आप कहोगे 12 मिनट, रुक के चलती है तो वो डिस्टेंस एक घंटे में कवर करती है बिना रुके 48 मिनट, मतलब एक घंटे में कितनी देर रुक रही है वो, एक घंटे में से 48 मिनट घटा दो तो कितनी देर, 12 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो आपको स्टॉपेज के साथ स्पीड गिवन है उसी के बराबर हमने क्या मान लिया, डिस्टेंस मान लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं जैसे इसी तरीके से, अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रैवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज इट ट्रैवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो दोस्त स्टॉपेज के साथ उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 60, तो दोस्त मैंने डिस्टेंस भी मान लिया कि डिस्टेंस मेरा 60 किलोमीटर है। क्या मान लिया, कि डिस्टेंस मेरा 60 ही किलोमीटर है। अब क्या कह रहा था, तो दोस्त जब विद स्टॉपेज इसे इस टाइम को कवर करने में कितना समय लगेगा, मैंने माना ही जितनी उसकी स्पीड है उतना है, तो ऑब्वियसली बात है एक घंटा ही लगेगा। और दोस्त विदाउट स्टॉपेज अगर वो रुके ही ना, तो दोस्त उसकी स्पीड दे रखी है 72, तो कितना समय लेगा 60/72, 60/72 मतलब 5/6 आवर्स, तो मिनट में चेंज करने के लिए इनटू 60 कर दूं तो कितना हो गया 50 मिनट्स, मतलब बिना रुके वो उस डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर लेगी 50 मिनट्स, तो मतलब वो एक घंटे में कितनी रुक रही है, ये एक घंटा, एक घंटे में से 50 मिनट गए तो 10 मिनट्स, तो एक घंटे में वो कितनी देर रुकती है उन्होंने एवरेज 10 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करती है, आ गया होगा समझ में, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए बॉय राइड्स हिज बाइसाइकल टेन किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड अगेन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड्स ऑन दी एंटायर ट्रिप। चलो दोस्त वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है, फिर 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। दोस्त मैं एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला जानता हूं, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब दोस्त डिस्टेंस टोटल कितना है कह रहा है, पहले केस में 10 किलोमीटर जाता है और दूसरे केस में 12 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 10+12, और टोटल टाइम कितना हो गया, दोस्त पहले केस में 10 किलोमीटर उसने 12 की स्पीड से कवर किया है, और टाइम क्या होता है दोस्त, टाइम मेरा कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब पहले केस में टाइम कितना लगेगा 10/12, तो मैं लिख दूं क्या 10/12, और दूसरे केस में कह रहा है कि वो 12 किलोमीटर 10 की स्पीड से, तो दूसरे केस में टाइम कितना लगेगा 12/10, तो टोटल टाइम क्या हो गया, इनका समीशन
चलो अभी से सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 22, ये काटोगे तो 5/6 और ये 6/5, तो एलसीएम हो गया तो 30, ये हो गया 25 और ये 36, 25 और 36 61, तो ये हो गया दोस्त 22 × 30/61। तो दोस्त 30 से ये काटोगे तो लगभग 2 आएगा, 2 से हल्का सा ज्यादा आएगा, तो 2 से ये करोगे तो 11 है, तो 2 से ये जब डिवाइड करोगे कितना, 22 तो 11 है लेकिन ये 2 से हल्का सा ज्यादा होगा तो 10.8 या 9 के करीब होगा, 8 या 9 के करीब, तो अप्रोक्सीमेट लिख लो 10.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना एग्जैक्ट आप कैलकुलेटर से, अदरवाइज ये 2 से हल्का सा ज्यादा होगा, 2 से डिवाइड करता तो 11 आता, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है तो 10.89 के करीब आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 10.8 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब भी मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मुझे क्या देखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन 2-3 केस और बताए थे, जैसे अब एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस करते हैं। कह रहा है ए कार गोज फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू ए एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी। ये तो जब दोस्त उसी में एग्जांपल लिया था, सेम क्वेश्चन है लेकिन एक बार और देखते हैं। दोस्त ए किस स्पीड से जा रहा है, ये मेरा 60 किलोमीटर पर आवर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कोई बंदा यहां से यहां तक जाता है 60 किलोमीटर पर आवर और वापस आता है 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ आने और जाने में, होल जर्नी, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। दोस्त अब इस तरीके के क्वेश्चन, अब यहां पर जितने जा रहा है वो डिस्टेंस और जो आ रहा है डिस्टेंस सेम है। अरे भाई कहीं जा रहा है फिर वहीं से वापस आ रहा है, डिस्टेंस तो आने जाने की सेम ही तो रहेगी। तो दोस्त जब दो डिस्टेंस बराबर ट्रेवल कर रहा होता है किसी स्पीड से, तो एवरेज स्पीड मैंने डायरेक्ट बताई थी क्या होती है, 2s1s2/s1+s2। डायरेक्ट यहां पुट करूं 2 × 60 × 40/60+40, कह दू हाँ, तो दो 60+40 100 हो गए, तो 10 से 10 गई, 10 से 10 गई, तो ये कितना हो गया 4×6=24 × 48, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 48 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये तरीका भी आपको आना चाहिए, जब दो का हो तो डायरेक्ट लगा देना, लेकिन फिर भी और किस तरीके से कर सकते हैं देखते हैं। दो जब भी बराबर डिस्टेंस दे रखी हो, चाहे 2, 3, 4, 5 कितनी भी बराबर डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे तो 2 बराबर डिस्टेंस है, मतलब उतनी ही डिस्टेंस गया फिर दूसरी स्पीड से उतनी ही डिस्टेंस आया, तो 2 बराबर डिस्टेंस हो गया, एक जाने की एक आने की। जब भी आपको बराबर डिस्टेंस दे रखी हो तो आप क्या किया करो, जैसे देखते हैं एक बार, मैंने कोई भी डिस्टेंस सपोज कर लो, लेकिन डिस्टेंस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ऐसा सपोज करो जो इन दोनों स्पीड का क्या हो, मल्टीपल, मतलब एलसीएम ले लो। तो दोस्त मैंने डिस्टेंस मान लिया कि डिस्टेंस है मेरा 120 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस मान लिया दोस्त 120, 60 से भी विजिबल है, 40 से भी। चलो दोस्त 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से कितना टाइम लेगा, 2 आवर्स, और 40 की स्पीड से 3 आवर्स। मैंने डिस्टेंस वाल लिया ए और बी के बीच का कितना है 120, तो दोस्त ए और बी के बीच का 120 है, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो कितना हो जाएगा 240 × 120 × 2, तो दोस्त यहां पर इसे 2 घंटी लग रही है तो अपॉन 2, इसे 3 तो प्लस 3, टोटल टाइम कितना हो गया 2 और 3 5, मतलब डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दो, या फिर तो 240 / 5 कितना हो गया 48, सॉरी 48 किलोमीटर पर आवर। ये बात आई समझ में, मैंने कहा अभी क्वेश्चंस करेंगे कि जब भी आपको इक्वल डिस्टेंस के बारे में दे रखा हो कि ए से बी तक इतना समय, बी से वो इस स्पीड से जाता है, बी से ए तक, तो दो इक्वल डिस्टेंस हो गए ना, उस केसेस में आप क्या किया करो, मैन को ऐसा डिस्टेंस सपोज करना है जो दोनों स्पीड से डिवाइड हो जाए, दोनों स्पीड से डिवाइड यदि वो हो जाएगा, दोनों स्पीड से यदि वो डिवाइड हो जाएगा तो
मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, अदरवाइज आप कोई भी डिस्टेंस सपोज कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस में वो मैटर ही नहीं करेगा जब उसने दोनों बराबर दे दिया, या तीनों डिस्टेंस बराबर दे दिए, चारों डिस्टेंस बराबर दे दिए, पांचों डिस्टेंस बराबर दे दिए, मैटर नहीं करेगा। जो मैंने कहा आया ना समझ में, तो मैंने मान लिया दोस्त कि वो 120 किलोमीटर है ए और बी के बीच की दूरी। दोस्त ये 120 है तो 60 की स्पीड से 2 घंटे में कवर करेगा, 40 की स्पीड से 3 घंटे में कवर करेगा, तो दोस्त टोटल दूरी कितनी हो गई 120 और 120 240, टोटल टाइम कितना हो गया 2 आवर्स और 3 आवर्स 5, तो 240/5 मतलब टोटल होल जर्नी एवरेज स्पीड कितनी हो गई 240/5 मतलब 48 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, एक कॉल आ रही थी इस वजह से, चलो बाद में देखेंगे उसे, आगे बढ़े। चलो अब ये आप 2 के बराबर में दे रखा हो तो ये भी कर सकते हो, 3 के बराबर में दे रखा हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 3s1s2s3s1+s2 वो भी कर सकते हो, लेकिन 2 के में तो मैं कहूंगा कि ये भी कर लिया करो, लेकिन 3, 4, 5 में जो अभी मेथड कराया जैसे क्वेश्चन करते हैं अभी, अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना है, ठीक है। हो जा जैसे एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बस कवर्स 3 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेच, कह रहा है 3 3 किलोमीटर डिस्टेंस, ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर और ये भी 3 किलोमीटर है। दोस्त तीनों बराबर डिस्टेंस है, ये भी ये भी ये भी, कह रहा है पहले में स्पीड है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में स्पीड है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर और तीसरे केस में स्पीड है, तीसरे 3 किलोमीटर में स्पीड है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर, तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है ड्यूरिंग द होल जर्नी। चलो अब देखो, मैंने कहा तीनों डिस्टेंस बराबर है ना दोस्त, तीनों डिस्टेंस बराबर हो ना जब भी, मतलब कितने भी तीनों डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस, पांचों डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस बराबर दे रखे हो, उसके इसमें डिस्टेंस अगर कुछ दे भी रखा है ना, मैटर ही नहीं करता, ये चाहे 3 किलोमीटर हो जाए या 30 किलोमीटर हो जाए, मैटर ही नहीं करेगा एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ध्यान हो तो क्या आता था, 3s1s2s3/s1s2+s2s3+s3s1, तीन वाला के केस में क्या वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा था क्या कहीं फॉर्मूला, नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है, मैं मानूंगा ही नहीं कि मेरा 30 किलोमीटर है, या तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं 3 डिस्टेंस बराबर है तो वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन नहीं, लंबा सा है थोड़ा फॉर्मूला लगा सकते हो आप, कोई वो नहीं है, बताया था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये 3 किलोमीटर ना मान के मैं ऐसा डिस्टेंस मानू जो इन तीनों से डिविजिबल हो, क्योंकि डिस्टेंस का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना, आ रही है ना बात समझ में, जब भी बराबर डिस्टेंस की बात हो रही हो तो आप वो अगर कोई डिस्टेंस दे रखा है उसे मान नहीं दी है, आपको अपनी तरफ से सपोज करना है, क्योंकि डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन पर। चलो तो मैंने मान लिया इनसे डिविजिबल 60 किलोमीटर है, कि ये 60 है मेरा किलोमीटर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी मेरा 60 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस भी मेरा 60 किलोमीटर है, ठीक है। चलो अब दोस्त जब 10 की स्पीड से इसमें कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 6 आवर्स, 20 की स्पीड से आप कहोगे 3 आवर्स, 60 की स्पीड से आप कहोगे 1 आवर, दोस्त टोटल डिस्टेंस कितना है 60 और 60 120 और 60 180, तो एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 6 और 3 9 1 10, तो कितना हो गया दोस्त 1 0 से 1 0 गई, एवरेज स्पीड कितनी आई 18 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैं ये नहीं करूंगा 3+3+3 9, ना मैं डायरेक्ट ये करूंगा, क्योंकि इस डिस्टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है एवरेज स्पीड पे, या फिर अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहूं तो क्या होता था 3s1s2s3, मतलब this into this, जब बराबर डिस्टेंस होते थे 3 के केस में, ये 3 वाले के केस में ध्यान होगा आपको, अगर आपने देखी है क्लास 10 into 20 into 60 upon this into this, मतलब ये हो गया 200, this into this ये हो गया 1200, तो मेरा आंसर हो गया 18 किलोमीटर पर आ। तो अभी तक जो हमने बात करी वो समझ में आई ना। चलो क्वेश्चन आगे करते हैं, कि यदि 3 बराबर 4 बराबर 5 बराबर उस पर डिस्टेंस का मैटर ही नहीं करेगा, अगर डिस्टेंस दे भी रखा है आपको अपनी तरफ से ही सपोज करना है, गॉट द पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं ना यार। अब मान लो 4 बराबर दे देता तो मुझे फॉर्मूला भी नहीं याद यार, फॉर्मूला कहां से बनाऊं, लेकिन मेरे को एक बात
पता लगाया कि दो के स्पीड में आता था 2s1s2 / s1 + s2, 3 के केस में आता था 3s1s2 / s3 + s2 + s2 + s3 + s3 + s1, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब बराबर डिस्टेंस दे रखी हो तो आपको वहां पर डिस्टेंस अपनी तरफ से सपोज कर लेना है, तो उससे एवरेज स्पीड जब भी पूछे। जैसे एक क्वेश्चन और लेती है, एक नहीं एवरेज स्पीड पर ही ले रहे हैं इस समय। क्वेश्चन है एक कार कवर्स 4 सक्सेसिव डिस्काउंट, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट कवर कर रही है और चारों जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट कह रहा हूं सक्सेसिव डिस्टेंस सॉरी, वो कितने के हैं? 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है पहला जो है वो 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आर नहीं है, 10, 20, 30 एंड दिस इज 60, ये किलोमीटर पर आर नहीं है, लिख नहीं रहा, ठीक है? तो एवरेज स्पीड बताओ। अब दोस्त यहां मैं 7 के हिसाब से मान के नहीं चलूंगा कि 7 + टोटल डिस्टेंस हो गया 28, इसमें टाइम लगेगा 7/10, इसमें टाइम लगेगा 7/20, उन्हें ऐड करके अपॉन कर दूंगा ना। मैंने कहा जब भी बराबर डिस्टेंस हो तो मुझे, अगर डिस्टेंस दे रखा है तो नहीं देखना वो क्या दे रखा है, मुझे अपनी तरफ से सपोज करना है। कैसा सपोज करना है? जो उस स्पीड से डिवाइड हो जाए। तो दोस्त इस स्पीड का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। तो मैंने डिस्टेंस सपोज कर लिया 60, तो दोस्त ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। दोस्त जब डिस्टेंस 60 सपोज कर लिया तो 10 की स्पीड से पहले स्ट्रेच को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 6 आवर्स। अब मैं 7 किलोमीटर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एवरेज स्पीड पूछी है, समझ रहे हो ना बात को? इसकी स्पीड से 3 आवर्स, इस स्पीड से 2 आवर्स और इस स्पीड से 1, तो कितना हो गया? 2 और 1 = 3, 3 और 9 = 12 है, 12 है घंटे। तो दोस्त टोटल टाइम लगा मुझे 12 है और टोटल टाइम डिस्टेंस कितना है? 60 × 2 = 240, टोटल डिस्टेंस है मेरा 240, तो 240 / 12 = 20, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 20 किलोमीटर पर आवर। आ रही है ना बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ये चाहे 7 किलोमीटर दे दे, 1 किलोमीटर दे दे या कुछ ना कहे, बस यही कह दे कि 4 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो भी आपको अपनी तरफ से मानना है डिस्टेंस जो है डिस्काउंट नहीं डिस्टेंस, ठीक है? वो सक्सेसिव के बाद सारे डिस्काउंट ही याद आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और है प्यारा सा, देखते हैं। कह रहा है ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी, कौन सा क्वेश्चन है? चलो जो भी होगा, ए टू बी कह रहा है इससे बी तक जाता है दोस्त 10 की स्पीड से, किलोमीटर पर आर में ही है, और वापस आता है 20 की स्पीड से, ये भी किलोमीटर पर आर में है, और फिर जाता है 30 की स्पीड से ए से बी तक, 30 की स्पीड से, तो बताओ एवरेज स्पीड उसकी क्या है? पहले जा रहा है 10 की स्पीड से, फिर 20 की से वापस आ रहा है, फिर 30। अब दोस्त इस केस में भी ए से बी तक ही गया, फिर बी से ए तक आया, फिर ए से बी तक गया, मतलब तीनों टाइम डिस्टेंस बराबर है। या तो मैं फॉर्मूला लगा दूं 3s1s2 / s3 / s1s2 वो वाला, या फिर मैंने कहा कि जब तीन मतलब जो भी डिस्टेंस जितने भी दे रखे वो बराबर दे रखे हो तो डायरेक्ट आप एक डिस्टेंस सपोज करो, तो दोस्त इन तीनों से डिविजिबल क्या है? 60, मतलब एलसीएम क्या है? 60। तो मैंने ए से बी तक डिस्टेंस वाल लिया दोस्त 60 किलोमीटर, तो दोस्त ये 3 बार जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 60 × 3 = 180, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया? 180 किलोमीटर। टाइम दोस्त इस जब 10 की स्पीड से जाएगा तो 6 घंटे लगेंगे उसे, जब 20 की स्पीड से आएगा तब उसे 3 घंटे लगेंगे, और जब 30 की स्पीड से आएगा जब उसे 2 घंटे लगेंगे, तो टाइम कितना हो गया? 11। तो आंसर क्या हो गया? 180/11 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं? अगर ये उसके इसमें है तो ये कितना हो जाएगा? 16 × 11 = 176 और 4 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत तो नहीं? तो आंसर कितना हो गया? 16 × 4/11 किलोमीटर पर आवर। रब कर दू तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में तो आ गए होंगे। नहीं आए हैं, कोई डाउट है तो बताना कमेंट सेक्शन में। जैसे एक क्वेश्चन और है, ए मैन कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय अ कार, ठीक है, इफ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 60% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो उसने इसमें परसेंटेज में दे दिया कि इतने परसेंटेज स्पीड से, इतने परसेंटेज इस स्पीड से, मुझे तो कोई एवरेज स्पीड में करना है, बता रही है। तो मैंने मान लिया दोस्त कि मेरा जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, कितना मान लिया 100 किलोमीटर। दोस्त कह रहा है 30% डिस्टेंस, तो 30% डिस्टेंस कितना हो गया 30 किलोमीटर, दूसरे में 60% रिमेनिंग का या पूरे का? पूरे का, तो कितना हो गया 60%, 60 किलोमीटर, और बचा हुआ कितना हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है, ये तीन केस बने। दोस्त पहले में वो कह रहा है कि 20 की स्पीड से है, 20 की स्पीड से 30 किलोमीटर कितने में कवर हो जाएगा, तो आपको 1.5 आवर्स, तो या इसमें हो गया, लग गया इसे 1.5 आवर्स। दोस्त इसमें से कितना टाइम लगेगा, 40 की स्पीड से 60 किलोमीटर 1.5 आवर्स, और 10 की स्पीड है और 10 ही किलोमीटर तो 1 आवर। तो दोस्त टोटल टाइम कितना लग गया, 1.5 और 1.5 3 3 और 1 4, इसे टोटल टाइम लगा 4 आवर्स। टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, तो 100 बाई 4, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही तो होती है स्पीड, एवरेज स्पीड, तो ये कितना हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। आ रही है ना बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन है शायद, लास्ट करते हैं इसको, ठीक है। चलो अगली क्लास में और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, आज इजी इजी क्वेश्चंस हुए हैं हम, अगली क्लास में भी अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे और इजी भी होंगे, मतलब इजी मतलब ठीक होंगे क्वेश्चन, लेकिन जैसे जैसे ये चैप्टर पूरा होता जाएगा आप देखोगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, जब भी आप बुक से करोगे, किसी भी बुक से तो आप कर रहे होंगे। अ पर्सन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट, जस्ट वेट, कह रहा है 600 किलोमीटर ट्रेन से जाता है 80 की स्पीड से, 800 किलोमीटर शिप से जाता है 400 की स्पीड से, और 100 किलोमीटर कार से जाता है 50 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बता रही है। दोस्त ठीक है, दोस्त 600 किलोमीटर ट्रेन से 80 की स्पीड से, तो दोस्त टोटल डिस्टेंस देखो तो ये 600 जाता है पहले केस में, दूसरे केस में 800 शिप से, और तीसरे केस में 100 कार से, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गई अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया 600, जब वो ट्रेन से जा रहा है तो उसकी स्पीड है 80, तो टाइम लगेगा दोस्त 600 बाई 80 हो गया मेरा कितना 600 बाई 80, 7.5 तो 7.5+, ये किलोमीटर में है और ये आवर्स में है, दूसरे में 800 किलोमीटर 400 की स्पीड से, तो टाइम लग गया 2 आवर्स, 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से, तो टाइम लग गया 2 आवर्स, तो काफी इजी क्वेश्चन है। अब इसमें तो हमें दे रखा है स्पीड भी क्या है, डिस्टेंस भी क्या है, तो डायरेक्ट ही निकाल लूंगा, इसमें तो कुछ नहीं मानना मैं है, तो ये हो गया 1500, ये हो गया 1150 को लिख सकता हूँ 23/2 का 2 ऊपर 23 नीचे, तो ये हो गया 3000/23, या तो इसी फॉर्म में ऑप्शन होंगे, या फिर अब देखो ये 3000 है ये 23 है, तो मुझे पता है 2300 डिविजिबल होता है भाई, 23 से 2300 तो डिविजिबल होगा, बचा 790 में आप देखोगे कि 23 3 6 90, तो 690 भी डिविजिबल है, प्लस 10, अब ये 10 डिविजिबल नहीं है, पौन 23 लिख दूं, अब ये कुछ लिखना नहीं है, ये माइंड में करना है, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 30 130 130, तो कितना आंसर हो गया 130 10/23 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में, तो उम्मीद करता हूँ एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे, तो आज 21 क्वेश्चन कर लिए हैं, अगली क्लास में जल्दी ही मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, तो ठीक है आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खेलते रहिए, धन्यवाद।